एक बार आगे चल के क्या कर लेते हैं, जो हमारी जीएसटी काउंसिल की, जो हमारी जीएसटी काउंसिल में जो रिसेंट चेंजेज हुए हैं एक उन्हें कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो रिसेंट चेंजेज हमारे जीएसटी काउंसिल के हुए हैं ये हमारे को 8 अक्टूबर को हुए थे, तो इसके सारे भी जितने चेंजेज हैं, ये सारे जितने भी चेंजेज हैं तो ये आपको हमारी मैगज़ीन में देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी ने अभी तक मैगज़ीन नहीं ली है तो आज ही अपनी मैगज़ीन रिन्यू करा लेना, पता चले हम भी अपनी सर्विस के रेट बढ़ा दें, ठीक है ना, 1 नवंबर से, ठीक है ना, मैगज़ीन के। तो इसलिए पहले से पहले इसे ले लेना, ठीक है। अभी ऐप पर भी हमारी मैगज़ीन अवेलेबल होती है, तो ऐप पर भी जाकर आप मैगज़ीन ले सकते हैं। चलिए अब हम बाकी की नोटिफिकेशंस को या बाकी के चेंजेस को जीएसटी काउंसिल वाले को भी एक बार पैक कर लेते हैं। जीएसटी काउंसिल में जो सबसे बड़ा चेंजेज है, जिसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, सबसे बड़ा चेंजेज है लेकिन उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, उसकी नोटिफिकेशन का इंतज़ार है हमें। मुझे तो लग रहा था कि नोटिफिकेशन आ जाएगी लेकिन आज तक भी नोटिफिकेशन नहीं आई, मैंने सुबह भी इसे चेक करा। सर क्या नोटिफिकेशन है, क्या बड़ा चेंजेज है? सबसे बड़ा चेंजेस था कि भाई एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे, ये एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे किसके लिए, फॉर फाइलिंग ऑफ अपील के लिए, कि भाई आपकी जो अपील है आप उसे फाइल कर दो। सर अपील तो वैसे भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ था कि पुराने टाइम में जब जीएसटी हमारा नया नया था, पिछले 5-6 सालों में लोग बाग ना बार्गेनिंग करने में लग जाते, हिंदुस्तान जो है ना, ठीक है ना, लास्ट डेट में बड़ा माहिर है। बहुत सारे लोगों ने आज पेमेंट करी है, बहुत सारे लोगों ने इस सेशन की आज पेमेंट करी है, और मैं बता दूं जिन लोगों ने आज इस सेशन की पेमेंट करी है उनके बारे में उनका व्यक्तित्व मैं समझ रहा हूँ, उनका व्यक्तित्व ज़्यादा अच्छा नहीं है। सर ऐसा क्यों? आप प्लैंड नहीं हो अपनी लाइफ को लेकर, आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। कुछ लोगों ने इस वेबिनार की पेमेंट 10 दिन पहले कर दी और बहुत सारे लोगों ने आज करी है। तो जिन लोगों ने आज करी है, मेरी टीम कहती है कि सर ये कैसे लोग हैं, इनके व्यक्तित्व के बारे में बताओ, मैं कह रहा हूँ ये प्लान नहीं है अभी, ये सोचते हैं कि भाई 12 बजे ही देखेंगे, अगर 12 बजे तक गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया कि घूमने चलो तो उसे घुमाने ले जाएंगे, नहीं आया तो कपिल देव का वेबिनार देख लेंगे, ठीक है ना। अगर बीवी ने बोल दिया कि शॉपिंग पे जाना है 12 बजे तक तो ठीक है, बीवी बच्चों को घुमा लेंगे, नहीं तो कपिल देव का वेबिनार तुरंत पेमेंट करके ज्वाइन कर लेंगे। नहीं भाई, जीवन को प्लान करना सीखो, अपने टाइम को प्लान करना सीखो, समझ में आ रही है मेरी बात। इमरजेंसी कभी कभी हो जाती है लेकिन प्लान आप करो, समय से पहले चीज़ों को करो, समझ आ रही है। तो क्या होता था कि जो ये अपील थी ये लोग बाग ना फाइल करना ही भूल जाते थे, समय निकल जाता था 2-2 महीने 3-3 महीने, और उसके बाद जब ये अपील फाइल करने जाते थे तो ऑफिसर कहता था तूने इसके अंदर जितना मर्जी कुछ लिखा हो, पहली बात ये जो तेरी अपील है ये टाइम बार्ड है, मैं इसे सुनूंगा ही नहीं। अब वहाँ पर लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा था। अब उसके बाद या तो वो हाई कोर्ट जाए, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल आई नहीं थी, तो अब उन्होंने क्या करा कि भाई अपील के अंदर रिलैक्सेशन दे दिया, एक एमनेस्टी स्कीम दे दी। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अपील के लिए भी एमनेस्टी स्कीम आ सकती है, तो इन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम दे दी फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर। लेकिन इसे हाईलाइट करना, इस वर्ड को हाईलाइट करना, अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर, कि अगर आपको कोई डिमांड ऑर्डर आया है तो डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट ही एमनेस्टी स्कीम है। तो डिमांड ऑर्डर कौन से सेक्शन में आता है फटाफट से बताओ, डिमांड ऑर्डर कौन से सेक्शन में आता है फटाफट से बताओ, हाँ जी, तो फटाफट से बोलो चैट बॉक्स में लिख के, 73-74, बिल्कुल ठीक। तो अगर आपको 73-74 में कोई डिमांड ऑर्डर आया है, ऑर्डर का नंबर बताओ कौन से फॉर्म में आता है, फटाफट से बताओ ऑर्डर कौन से किस किस में आता है, बोलो ऑर्डर का फॉर्म बताओ। DRC 07 इज द रॉन्ग आंसर। DRC 07 एक समरी होती है, DRC 07 क्या होती है, एक समरी। तो इनके ऑर्डर का कोई फॉर्म है ही नहीं लो में, इनके ऑर्डर का कोई फॉर्म लो में है ही नहीं,
हाँ, लेकिन इनकी समरी जो आती है वो DRC 07 में आती है। तो अगर आपके पास कोई DRC 07 पड़ा है और तुम्हें लगता है कि उसकी अपील करनी चाहिए, 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, तो आप अभी नोटिफिकेशन आने के बाद, अभी नहीं, नोटिफिकेशन आने के बाद उसकी अपील फाइल कर सकते हैं। अब जैसे क्या कहता है, द काउंसिल हैज़ रिकमेंडेड प्रोवाइडिंग एन एमनेस्टी स्कीम थ्रू ए स्पेशल प्रोसीजर। क्या ये ऐसा स्पेशल प्रोसीजर दे सकते हैं? आंसर इज यस। सेक्शन 148 अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर स्पेशल प्रोसीजर देने की पावर है। तो ये जो नोटिफिकेशन आएगी सेक्शन 148 से आएगी, हु कुड नॉट फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 107, कि जो व्यक्ति 107 के अंदर अपील जाती है हमारी, फर्स्ट अपील, तो अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट अपील 107 में फाइल नहीं कर पाया है, ठीक है ना, और उसे ऑर्डर पास हुआ था 31 मार्च 23 से पहले, 31 मार्च 23 से पहले, तो सर क्या अगर कोई ऑर्डर अप्रैल में पास हुआ है, क्या हम उसकी, और उसका टाइम निकल गया, अप्रैल में पास हुआ है, 3 महीने निकल गए ना जी, मई जून जुलाई, तो क्या उसमें एमनेस्टी स्कीम जा सकते हैं? आंसर इज नो। यहाँ पर एमनेस्टी स्कीम में आप तभी जा सकते हो जब आपका जो ऑर्डर है वो 31 मार्च 2023 से पहले आया। अगर आपका ऑर्डर 31 मार्च 2023 से पहले आया है तभी आप एमनेस्टी स्कीम में, ठीक है ना, जा सकते हो। और ऑर्डर किस में आना चाहिए? 73-74 में, ठीक है ना। और हुज अपील अगेंस्ट द सैड ऑर्डर वाज रिजेक्टेड, जिसकी अपील क्या हुई थी, रिजेक्ट कर दी गई थी, किस ग्राउंड पर, कि भाई ऑन द ग्राउंड डेट द फाइल अपील वाज नॉट विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो फाइल नहीं कर पाया अपील, या जिसकी अपील, दो लोगों को ये एमनेस्टी स्कीम मिलेगी, एक तो जो फाइल ही नहीं कर पाया, वो क्यों फाइल नहीं कर पाया, उसने सोचा फाइल करूँगा रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों खामाखाई पैसे देने। एक व्यक्ति क्या था, उसने फाइल तो कर दी लेकिन ऑफिसर ने उस अपील को रिजेक्ट कर दिया, किस ग्राउंड पर, क्योंकि तुमने टाइम पीरियड के बाद फाइल करी है। ऐसे सारे सिचुएशन में फाइलिंग ऑफ अपील बाय द टैक्स पेयर विल बी अलाउड अगेंस्ट 31 जनवरी 2024। तो आप 31 जनवरी 2024 तक सबकी अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है, 31 जनवरी 2024 तक सबकी अपील फाइल कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन इसकी आ जाएगी जल्दी, टेंशन मत लो, अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है, अगर अक्टूबर के लास्ट में भी नोटिफिकेशन आ गई तो नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने तुम्हारे पास है। लेकिन अपील को फाइल करने के लिए जो एडमिट टैक्स होता है उसका कितने परसेंट जमा करना होता है, एडमिट टैक्स का कितने परसेंट जमा करना होता है? 10%। अब एडमिट टैक्स जो था, ये देखो, ये कह रहे एडमिट टैक्स का 10%, अरे एडमिट टैक्स तो 100% जमा करना होता है। टैक्स इन डिस्प्यूट कितना जमा करना होता है सर? 100% जमा नहीं करना होता, सिर्फ इसमें से कितना जमा करना होता है? 10%। कितना? 10%। अगर आप एडमिट कर लोगे तो लड़ाई काहे बात की, जमा करो। और जो डिस्प्यूट वाला है उस टैक्स का 10% जमा करना होता है। अभी क्या हुआ, मैं अभी जो हमारा सेशन है 3 बजे से 5 बजे तक, उसमें हम उसे डिस्कस करेंगे कि मैं एक GST डिपार्टमेंट में केस को लेकर गया, तो उन्होंने मेरी 31 लाख रुपए की, ठीक है ना, टैक्स की लायबिलिटी बना रखी है, 31 लाख रुपए की टैक्स की लायबिलिटी बना रखी है, लेकिन गलत कैलकुलेशन करके GSTR 1 में गलत कैलकुलेशन करी और 31 लाख की गलत लायबिलिटी बना दी। मैंने उनसे कहा साहब ये गलत है, कह रहे हमें भी पता है गलत है। तो मैंने कहा लायबिलिटी बना के रखी है, कह रहे हम तो DRC 07 इशू करेंगे ऑर्डर का। मैंने कहा फिर क्या होगा, कह रहे फिर तुम जाओगे अपील में और अपील में जाने के लिए 10% जमा करोगे। मैंने कहा 3 लाख रुपये, मैंने कहा हाँ, कह रहे क्यों परेशान होते हो, मुझे ही 30,000 दे दो। वो कह रहे मुझे ही 30 दे दो, क्योंकि मैंने तो गलत बनाई है, मैं आपका ऑर्डर रिप्लाई कर दो बस, तुम ये लिख कर कि गलत बनाई है, मैं आपका जो नोटिस है वो ड्रॉप कर दूंगा, जब मैं ऑर्डर निकालूंगा इस डिमांड को खत्म कर दूंगा। देख रहे हो डिपार्टमेंट की कारस्तानी। तो डिपार्टमेंट कई बार क्या करता है,
डिपार्टमेंट कई बार क्या करता है, फर्जी टैक्स डिमांड बनाता है, फर्जी टैक्स डिमांड बनाता है। किस वजह से? कि अगर उसका ऑर्डर, ये तो गलत है ना सर, अरे तुमने ड्रीम गर्ल का डायलॉग नहीं पढ़ा क्या? इस दुनिया में हर कोई गलत है, सही वो है जो कम गलत है। तो गलत तो सभी कर रहे हैं, इसने कुछ ज़्यादा कर दिया, ठीक है, इसने कुछ ज़्यादा कर दिया। अब इसका एक तोड़, ठीक है ना, मनीष जी से उस दिन डिस्कशन हो रहा था जीएसटी प्लेटफॉर्म से, इसका एक तोड़ निकल कर आता है भाई साहब। अब उसने फर्जी ऑर्डर कर दिया 31 लाख का, अब इसका 3 लाख रुपए जमा करना है, मेरे पास 3 लाख रुपए है ही नहीं जमा करने को। तो ऐसा कोई तरीका है क्या, ऐसा कोई तरीका है क्या कि हम कहीं पर रिक्वेस्ट करें और 10% की जगह डिपार्टमेंट हमें कहे 2% जमा कर दे, चल काम हो जाएगा अपील में? ऐसा कभी तुमने पढ़ा है, सुना है, देखा है क्या? किसी ने पढ़ा है, लिखा है, देखा है? अभी तक तो नहीं। चलो तो आज इस सेशन के माध्यम से इसे कर लो, ठीक है ना। इसका मतलब तुम YouTube पे मेरी वीडियो नहीं देख रहे हो, YouTube के शॉर्ट्स नहीं देख रहे हो। इसके ऊपर शॉर्ट्स बनाया था मैंने, ठीक है ना, इसके ऊपर शॉर्ट्स बनाया था। उस शॉर्ट में क्या लिखा हुआ था कि अगर आप CBIC की जाके FAQs पढ़ोगे, CBIC की जाके FAQs पढ़ोगे, तो वहाँ पर एक FAQs में लिखा हुआ है कि तुम अपील में 10% से भी, 10% से कम का भी जमा कर सकते हो। अब मजे की बात क्या, सेक्शन 107 में नहीं लिखी है बात, ये बात सेक्शन 107 में नहीं लिखी, ये वाली बात किस में लिखी हुई है भाई साहब, ये वाली बात लिखी हुई है FAQs में। अब जब मैं FAQs में जाने के बाद पोर्टल पर जाता हूँ, तो पोर्टल पर भी वो 10% को रिड्यूस करने का ऑप्शन देता है कि तुम पोर्टल पर जाकर उसे 10% से कम कर सकते हो, लेकिन अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो कभी अगर आपके केस में इस तरह का, कभी आपके केस में इस तरह का कुछ ऐसा आ जाए, अगर आपके केस में कुछ इस तरह का ऐसा आ जाए, तो ये वाली चीज़ें लॉ में नहीं लिखी। लेकिन GST की खूबसूरती यही है कि जो लॉ में लिखा है वो प्रैक्टिकल नहीं होता, जो प्रैक्टिकल होता है वो लॉ में नहीं लिखा होता, ठीक है ना। तो आप इसे अपने फेवर में यूज़ कर लेना अगर आपके पास आता है तो, ठीक है। मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं करा, मैं इस वाले केस में यूज़ करने जाऊँगा, ठीक है ना, अगर मेरी उसने 30 लाख की डिमांड निकाली तो। समझ आई मेरी बात? चलो, अब मुद्दा ये आता है कि जब सेक्शन 107 में ये लिखा हुआ है कि अपील का 10%, मतलब कि जो टैक्स इन डिस्प्यूट है उसका 10% जमा करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने इस प्रेस रिलीज में बोला कि नहीं भाई, अब तो हम तुम्हें फ़ायदा दे रहे हैं, अब तो हम तुम्हें फ़ायदा दे रहे हैं, अब तो हम तुम्हें फ़ायदा दे रहे हैं, 10% नहीं 12.5% ले आओ भाई साहब। मैंने कहा भाई साहब 12.5% क्यों ले आओ, सेक्शन 107 में तो 10% लिखा हुआ है, तुम 12.5 मांग सकती है क्या गवर्नमेंट? क्या सेक्शन 107 को अमेंड किए बिना क्या 12.5% मांग सकती है? फटाफट से चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, क्या वो 12.5% मांग सकती है? बोलो जी, रचना जैन जी कैसी मांग सकती, मतलब लोग को ही नोटिफिकेशन निकाल के लोग को ही ओवर रूल कर देंगे। हाँ, क्या नोटिफिकेशन निकाल के लोग को ओवर रूल कर देंगे? भाई मेरे हिसाब से इन्होंने ना 12.5% यहाँ तो लिख दिया, लेकिन जब तक सेक्शन 107 को चेंज नहीं करेंगे, जब तक सेक्शन 107 को चेंज नहीं करेंगे, तब तक ये 12.5% नहीं कर सकते उसे। या तो कोई अल्टरनेटिव कुछ और निकाले, लेकिन नॉर्मल कोई भी नोटिफिकेशन, क्योंकि जब इसकी नोटिफिकेशन आएगी वो सेक्शन 107 में आएगी, और 107 में जब वो 12.5% लिखेंगे, 12.5% लिखेंगे, तो वो सेक्शन 107 का वॉयलेशन होगा। तो मेरी बात हुई थी कल फाइनेंस मिनिस्ट्री में, मैंने कहा तुमने नोटिफिकेशन निकाल दी है, अपील वाली कब लाओगे? तो उनका कहना यही था कि साहब इसमें ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ये, ठीक है ना। आपको नहीं लग रहा गड़बड़ हो गई? मैं मनीष जी से व्यू चाहूँगा, GST प्लेटफॉर्म मनीष जी से व्यू चाहूँगा कि मनीष जी आप बताएं, क्या वो नोटिफिकेशन आ जाएगी सीधा सीधा 107 में 12.5% की? मनीष जी
जी हाँ सर, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। मैं कह रहा हूँ नोटिफिकेशन आने दो, फिर ही पता लगेगा क्या लिख रहे हैं वो। हाँ, अब यही बात आई ना। देखो कई बार क्या होता है कि हम भी डाउट में रहते हैं, लेकिन लग तो मुझे रहा है कि गलत है, कि भाई ये गलत है कि एक चीज़ है जैसे इन्होंने QRMP के लिए स्पेशल प्रोसीजर जब इन्होंने नोटिफाई करा था सन 2021-22 में, इन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए ही करा था, बाद में एक्ट अमेंड करके प्रोविजो डाल दिया 39(7) में। तो ये भी कर सकते हैं, पहले नोटिफिकेशन लाए, बाद में 107 में प्रोविजो डाल दिए, फॉर दिस पीरियड द क्या कहते हैं अपना जो प्री डिपॉजिट है वो 12.5% रहेगी फॉर दिस स्पेशल प्रोसीजर। बिल्कुल बैठेगा संसद तो। लेकिन क्या होता है ना, इस तरह की जो नोटिफिकेशन होती है वो सैसी के फेवर में होती है, ठीक है ना, भाई। कि भाई चलो अपील डालने जा रहा है, लेकिन कोई सरफिरा सैसी हो सकता है जो कहते हैं मैं क्यों 2.5 जब लॉ में एक वो लिखा हुआ है 10, ठीक है ना। तो ये कई बार ऐसा नहीं होता कि प्रेस रिलीज डाल दी, वहाँ पर डिस्कशन हुआ कर दिया, लेकिन इन्होंने सोचा तो होगा कि नोटिफिकेशन कैसे आएगी, तो ये या तो स्पेशल प्रोसीजर से या स्पेशल ऑर्डर। देखो गवर्नमेंट से तो बड़ा कुछ नहीं है ना, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट से बड़ा कुछ नहीं है, तो वो लाना होगा तो ला देंगे, लेकिन सिंपल नोटिफिकेशन नहीं आएगी, इस वजह से शायद इस नोटिफिकेशन में डिले है, ठीक है ना जी। चलो तो यहाँ पर अब इन्होंने क्या करा कि भाई देखो 2.5% एक्स्ट्रा दो, इन्होंने क्या बोला 2.5% एक्स्ट्रा दो, 12.5% दो हमारे को टैक्स अंडर डिस्प्यूट का। मैंने कहा ठीक है ले लो, मेरे तो क्रेडिट लेजर में बहुत पैसा पड़ा है, मेरे तो क्रेडिट लेजर में बहुत पैसा पड़ा है। मोदी जी कह रहे कि भाई साहब इलेक्शन आ रहा, कैश में पैसा लाओ, ये कह रहे क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, कह रहे नहीं भाई साहब कैश में चाहिए, इतने सारे एडवर्टीजमेंट कराने हैं, सारी चीज़ें करानी है, पैसा कैश में चाहिए। तो इन्होंने कहा इसी में एक कंडीशन डाल दो कि जो तुम 12.5% जो तुम 12.5% मतलब कि जो 2.5% तुमसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो 2.5% हमें कैश लेजर से देना, वो जो 2.5% तुमसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं मतलब 12.5% का टोटल का 20% या जो 2.5% बढ़ाया वो सारा का सारा हमें कैश में दे देना, ठीक है। तो ये लोग आपको अब जो भी अपील करेगा तो भाई ये चीज़ समझ लेना 2.5% तो तुम्हें कैश में देना पड़ेगा अगर आप इस एमनेस्टी स्कीम के लिए अपील में जाते हो, ठीक है ना जी। क्लियर है जी, बोलो। ये वाली क्लियरिटी है, इसमें नोटिफिकेशन क्यों नहीं आई वो क्लियरिटी है, इसमें 12.5% गलत है ये क्लियरिटी है, ठीक है ना जी। तो अब आपको ना देखो GST लॉ पढ़ते पढ़ते इतना समय हो गया, अब आपको ये नहीं पढ़ना होता कि आई नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज आई पढ़ दिया, तुम्हें पढ़ना ही होता है कि ऐसा करेंगे कैसे, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये गलत है या सही है, ठीक है ना। तो तुम्हें उसकी ना गलतियाँ भी निकालनी,